गुरु जी नमस्कार। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। गुरु जी नमस्कार। खुश रहो बेटा। गुरु जी हमारे मन में, हमारे घर में सब अस्त व्यस्त हो गया है, पूरा परिवार इधर से उधर हो रहा है, घर में कुछ नहीं मालूम, दुकान का कुछ नहीं पता पड़ता, घर का कुछ पता नहीं। खराब के अलावा अच्छा शब्द है ही नहीं। पूरा परिवार परेशान है, पूरा घर परेशान है, चाचा है। सब जकड़ा हुआ है, बुद्धि भी शरीर भी जकड़ा हुआ, रोग फैल रहे हैं बुरी तरह से, और खराब खराब रोग फैल रहे हैं, गंदा गंदा दिखाई देना, सब गंदा गंदा सोच होना, सब गंदा गंदा हो गया है, सब उलट पुलट गया है। एकदम अच्छे हो जाओगे सब। चाचा है वो भी सर 6 महीने से बहुत परेशान हो गए हैं, पहले 2 बार खाते थे, अब 8-10 बार खाते हैं सर, और कमजोरी होते जा रहे हैं, कितनी भी दवाई करा ले कुछ फायदा नहीं होता। सब अच्छे हो जाओ। कैंसर की गांठें फैल गई हैं, कैंसर डेवलप हो रहा है खूब। गुरु जी स्मृतियाँ हैं सब, बस यूट्यूब की जगह आपको देखा था, यूट्यूब के जरिए आपको देखा था, भगवान ने प्रार्थना करी आपके यहाँ आए, पिछली बार भी आए थे 2 हफ्ते पहले, आपको देख के गए, मिल के गए, फिर दोबारा आए हैं, बस यही उम्मीद है कि आप सही कर दें सब कुछ। एक कालम है विश्वास वाला, उसकी कमी है, और परिवार में भी एक दूसरे के प्रति अंदर अंदर गहरे में विश्वास नहीं है। और सब मुझे पता है कि ये सब मुल्लों के जरिए ही हुआ है। हमारे घर में भी ये आस्था थी कि चद्दर चढ़ा के आओ और प्रसाद लगा के आओ, चादर चढ़ाए आओ बाजार पे, हर हफ्ते चढ़ा के आओ और प्रसाद लगा के आओ, चढ़ गई चादर, और वो चादर बुद्धि पे चढ़ गई। और जहाँ 2 हफ्ते पहले जब मैं आया था तो मैंने सारी चीजें फेंक दी वहां से, जो भी थी सब हटा दी। इसीलिए आप आए हो तुम दोबारा। सर बहन की पढ़ाई यहाँ आए, इतनी सद्बुद्धि जरूर आ गई कि ये सब चीजें ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, भगवान है तो सब कुछ है ना, बेकार है सब कुछ, बस ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। और ये क्या करते हैं बदमाश, ईश्वर पर से विश्वास उठा देते हैं। हाँ, मजारें ऊपर हो जाती हैं, मजार बहुत बड़ी है, भगवान उसके नीचे रहते हैं मजार के, ये बन जाते हैं गिरिराज पर्वत बन जाते हैं, मजार हो जाती गिरिराज पर्वत, नीचे भगवान। ये दुष्ट है। सब अच्छे हो जाओ बेटा, कहाँ रहते हो? मैं सर मथुरा के पास में। एकदम अच्छे हो जाओ बेटा, सब लोग अच्छे हो जाओ। मेरी बहन भी साथ आई है, उसका सर 22 तारीख को पेपर है BTC का, 4th सेमेस्टर का। बेटा बुद्धि नहीं काम कर रही, आई थी कि मैं गुरुजी के यहाँ जाऊंगी तो शायद पेपर भी अच्छा हो जाएगा। बुद्धि नहीं काम कर रही बेटा, दरबार के नियम पालन करके ठीक, और खूब पेपर दे। सर साथ में है, देख लिया हमने उसको, देख लिया ठीक है। उसको भी आप उससे पूछोगे ना तो वो बेचारी खुद डिप्रेस रहती है। हाँ सर। और उसको भी सब गंदा गंदा फील होता है गुरुजी, उसके OCD है, पेट में भी दर्द रहता है, दिमाग में भी दर्द रहता है। पेट में नहीं दर्द रहता है, नाभि के नीचे दर्द रहता है, नाभि के नीचे सब उसको सारे गंदे गंदे सेंसेशन है, सब गंदगी है, सब खत्म हो जाएगी। सर हमारी सामर्थ्य थोड़ा सा कम है इस समय, क्योंकि पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, 4 बहनें हैं तो 3 की शादी। उसको सब नीचे नीचे नोचते काटते रहते हैं, नाभि के नीचे सब मुल्ले मुल्ले भरे हैं। दरबार नियम पालन तो करना पड़ेगा बेटा, पालन करोगे एकदम अच्छे होगे। तो धीरे धीरे सर हम कर सकते हैं गुरुजी, वो आपकी इच्छा, क्योंकि इस समय दरबार इसके लिए कोई आग्रह नहीं करता, परेशानी के लिए कि आप ये करो कि ये करो कि वो करो, जो इच्छा वो करो। तो बहुत कम हो गई है परिवार की वजह से, वो आप देख लो बेटा, आप देख लीजिए बेटा, ठीक है। जय जय राधा।